ए बी स्वेटर के सेकेंड पार्ट को लेके मैं हाजिर हूँ। तो यहाँ से 14 धारियाँ बन चुकी हैं दोनों साइड में, तो अब ये 15वां धारी है और हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे। हमने यहाँ पे 20 फंदे डिक्रीज़ किए थे, तो अब यहाँ पे हमें 20 फंदे बढ़ाने होंगे। तो हमने 20 फंदे बढ़ा लिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और अब हम दूसरे साइड के फंदे भी इसी में बुन लेंगे। और जैसा हमने 10 लाइन यहाँ बुना था, ये बॉर्डर बनाया था, ऐसे ही हम इधर भी 10 लाइन बुनेंगे, यानी 5 धारियाँ हमें इस साइड में भी बनानी होंगी। यानी अब हमें दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनना होगा। ये हमारा दूसरा लाइन है, तो मैं 10 लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 5 धारियाँ ये कंप्लीट हो गई हैं, यानी 10 लाइन बन गया है और 11वां लाइन भी मैं सीधा बुनते हुए दूसरी साइड में आ गई हूँ। और ये अब रॉन्ग साइड है। तो जैसा कि यहाँ हम बॉर्डर बना रहे थे, वैसे ही 7 फंदे हम सीधा बुन लेंगे, 3, 6 और 7। 7 फंदे सीधा बुन लेंगे और सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। और फिर ये साइड के 7 फंदे बचे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है, तो इसमें हम सामने की तरफ से हैं और सभी फंदे हम सीधा बना लेंगे। हम रॉन्ग साइड में है, तो दोनों साइड से 7-7 फंदे हम सीधा बुनेंगे। पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और 6 फंदा सीधा, 3, 4, 5, 6 और शेष फंदा उल्टा। और लास्ट के 7 फंदे बचे हैं, तो इन्हें हम सीधा बना लेंगे और राइट साइड से सभी फंदे सीधे। तो ऐसा हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो 16 लाइन हम ऐसे ही बनाएंगे, सामने से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से 7-7 फंदे साइड के सीधे और बीच के सभी फंदे उल्टे। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर के बाद से ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 लाइन कंप्लीट हो गया है। ये पीछे वाले बॉर्डर के बाद से ये 16 लाइन कंप्लीट हो गया है। और अब इसमें हम 12 फंदा बढ़ाएंगे। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और
12। तो 12 फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया और अब फिर सभी को सीधा बुनते हुए हम दूसरी तरफ आ जाएंगे। सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हम दूसरी साइड में आ जाएंगे। अब हम दूसरी साइड भी 12 फंदे बढ़ा लेंगे। और अब हम इन 12 फंदों को और ये साइड बॉर्डर के 7 फंदों को सीधा बुनेंगे और बीच के फंदे उल्टे बुनेंगे। और 7 फंदे ये साइड के 7 फंदे भी हम सीधा बुन लेंगे। तो 12 फंदे ये जो हमने बढ़ाए हैं और 7 फंदे ये यानी 19 फंदे हम सीधा बुन लेंगे और बीच के जो फंदे उल्टे बुनते आए हैं उन्हें वापस उल्टा ही बुनेंगे। हम दूसरी साइड के ये बटन पट्टी के 7 फंदे और बढ़ाए हुए 12 फंदे यानी 19 फंदों को सीधा बुन लेंगे। सामने से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से दोनों साइड के 19-19 फंदे सीधा बुने जाएंगे और बीच के फंदे उल्टे। उन्नीस फंदे सीधे बुन लिए गए, अब बीच के फंदे उल्टे बुने जाएंगे और फिर दूसरी साइड के भी ये 19 फंदे सीधे बुने जाएंगे। इसी तरह सामने से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से दोनों साइड के 19-19 फंदे सीधे और बीच के फंदे उल्टे बनाए जाएंगे। इस तरह हम तीन धारी हमारा तीन धारी ये बन के कम्प्लीट हो गया है, यानी कि 6 लाइन बन चुका है। पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, और फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने बटन होल बना दिया है। उसके बाद सारे फंदे सीधे बना लेंगे, लास्ट के 6 फंदों को छोड़ के। देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरी साइड में सिर्फ 6 फंदे बचे हुए हैं, तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक कर लेंगे और अब 2 फंदों को एक साथ करने के बाद उन अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे 4 फंदे बचे हुए हैं तो 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से 19 फंदों को दोनों साइड के 19-19 फंदों को सीधा बुनेंगे, दोनों साइड के 19-19 फंदों को सीधा बुनेंगे
और बीच के फंदों को उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही बुनते हुए हम ये हमारा देखिए ये बटन होल बन के तैयार हो गया, ये बटन होल बन के तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स बटन होल बन के तैयार है। तो चार धारियाँ हो गई हैं, ऐसे ही हमें 19 धारियाँ और बनानी हैं। तो मैं 19 धारियाँ बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स 19 धारियाँ बन के तैयार हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये एक 19। तो अब ये यानी और हम सीधी साइड पे हैं, तो अब इस लाइन में हमें सभी फंदे सीधे बुनने हैं। अब हम ये लास्ट के जो 5 धारियाँ बनी हैं यहाँ पर पहुँच गए हैं, यानी अब हमें दोनों साइड से सीधा सीधा ही बुनना है। तो अभी तक तो सामने से हम सीधा बुन ही रहे थे, अब दूसरी तरफ भी सभी फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। अब हमें सिर्फ 10 लाइन और बनाना है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और रॉन्ग साइड में भी अब सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे। बीच में अभी तक हम फंदे उल्टे बनाते थे, लेकिन अब ये फंदे भी हमें सीधे ही बनाने होंगे। देखिए फ्रेंड्स 2 सीधी लाइनें बन गई हैं और एक उल्टे फंदों की धारी आ गई है। तो अब ये तीसरा लाइन है, पहले फंदे में से पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये 4 फंदे सीधे बुन लिए गए हैं, अब उन अपनी ओर करेंगे और 5वें 6ठे फंदे में दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ जाली पड़ गया है, यानी कि ये हमारा बटन होल है और उसके बाद से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। यहाँ पे हमने बटन होल बना लिया तीसरी लाइन में, और अब हम दूसरी तरफ बटन होल बनाएंगे। तो मैं दूसरी तरफ आके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब दूसरी तरफ 6 फंदे रह गए हैं, तो 5वें 6ठे फंदे को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदा को एक किया, एक फंदा घट गया, तो उन अपनी ओर करेंगे और अगले 4 फंदों को जाली देते हुए सीधा बना लेंगे। यहाँ पे देखिए एक फंदा घटा और एक फंदा बढ़ भी गया, जाली देने से एक फंदा बढ़ गया, यानी फंदे बैलेंस हो गए और बटन होल बन गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बटन होल बन गया है और ये रॉन्ग साइड है और बॉर्डर की 4थी लाइन। तो हमें 5 लाइन और बनाना है, हमें टोटल 10 लाइन बनाना है, 5 लाइन और बनाना है और 10वें लाइन में हमें सारे फंदे क्लोज कर देने हैं। दोनों तरफ से सिर्फ सीधा सीधा ही बुनना है और 10वीं लाइन में सभी फंदे क्लोज कर देने हैं। तो मैं 9 लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स 4 धारियाँ कंप्लीट हो गई हैं और हम रॉन्ग साइड पे हैं, यानी कि 10वीं लाइन पे हम हैं और इस लाइन में हम सभी फंदे क्लोज कर लेंगे। तो क्लोज करने की वही विधि है, या तो 2 फंदे बुनेंगे, पिछला फंदा अगले वाले फंदे पे चढ़ा देंगे, 2 फंदे बुनेंगे, पिछला वाला फंदा अगले वाले फंदे पे चढ़ा देंगे, या फिर 2 फंदे बाएं सिलाई में ऐसे ये फंदा भी बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, फिर 2-2 फंदों को एक साथ लेते जाएंगे और 2 का एक करते जाएंगे। इन दोनों विधियों में से कोई भी विधि हम अपना सकते हैं।
देखिए हमारे फंदे क्लोज होना शुरू हो गए हैं। दो फंदों को हम लेंगे और दो का एक कर लेंगे, फिर दो फंदों को लेंगे, दो का एक कर लेंगे। तो दोनों विधियों में से हम कोई भी विधि अपना सकते हैं। तो मैं सारे फंदे क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स सारे फंदे क्लोज हो गए हैं। अब हम इसे काट लेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल के खींच लेंगे और इसे ऐसे अंदर की तरफ जितने धागे निकले हुए हैं इन्हें अंदर की तरफ कर देंगे। अब हमें बस बटन होल बनाना है और स्वेटर बनके तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड्स मैंने धागे अंदर कर लिए हैं और बटन लगा लिए हैं, तो स्वेटर बनके तैयार है। यदि आपको मेरा यह स्वेटर अच्छा लगता हो तो आप भी अपने बेबी के लिए इसे बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।